नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शनिवार सुबह हाईकोर्ट संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब स्टेनो संविदा कर्मी को 6,900 रुपए की जगह 17,000 रुपए मिला करेंगे। इसी तरह जूनियर क्लर्क संविदा कर्मी को 5,600 रुपए की जगह 14,000 रुपए मिला करेंगे। वहीं बुक लिफ्टर संविदा कर्मी को 4,400 रुपए की जगह 11,000 रुपए मिला करेंगे। नया नियम 1 अक्टूबर से लागू माना जाएगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को भजनलाल सरकार ने सुनहरा मौका दिया है। लंबे समय से अटकी सफाई कर्मचारी भर्ती का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। इसके साथ ही शुक्रवार को प्रदेश में लाखों बेरोजगारों का इंतजार भी खत्म हो गया। स्वायत्त शासन विभाग ने सफाई कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके लिए अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें खास बात यह है कि इस भर्ती के नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने नौकरी की पात्रता में एक खास बात जोड़ी है, जिसके अनुसार शादी में दहेज लेने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उन सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का लंबित वेतन 1 सप्ताह के भीतर जारी करने का शुक्रवार 27 सितंबर को निर्देश दिया, जिन्हें हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहाल किया गया था। न्यायालय ने पूछा कि आयुष चिकित्सकों के साथ स्वतःला व्यवहार क्यों किया गया है। प्रदेश के युवा लगातार नशे की जद में गिरफ्त होते जा रहे हैं। इसी नशे से दूर करने के लिए युवा नेता अभिषेक चौधरी की ओर से एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको नाम दिया है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। अभिषेक चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत आज जयपुर से ही चित्रकूट स्टेडियम में करीब 500 बच्चों से पोस्टर विमोचन करवाया। अभिषेक चौधरी ने बताया कि इस मुहिम के तहत राजस्थान के हर जिले में युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद चौरी एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने कथित आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायत के बाद ई मित्र सेंटर पर छापे मारे। ई मित्र सेंटर पर छापेमारी के दौरान विधायक ने एक युवक को कथित तौर पर आतंकवादी कह दिया। बीजेपी विधायक का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक एक युवक को आतंकवादी कहते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के दौसा जिले में 19 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने अपने ही गांव के 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि 3 लोग उसका अपहरण कर दौसा के एक होटल में ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में नए बले सांचौर जिले को रद्द होने से बचाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अपने 18 सहयोगियों के साथ पिछले 4 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे। उनके साथ 51 अन्य लोग भी जुड़े हैं, जो इसी मांग को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जो जिले भर में अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर इसी मांग को उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज बड़े आंदोलन का आगाज किया, जिसके चलते पूरा सांचौर में चक्का जाम किया गया है। कांग्रेस ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने कहा कि ये हमारा जनता का डॉक्यूमेंट है। लोकतंत्र में लोग महान होते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये बनाया है। ये 7 गारंटियां रिलीज करने का काम हुआ था। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो बोले, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। ये कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवार को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ORP के खजाने पर जोर पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हित के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सब पर रूबरू होंगे। शुक्रिया।